मनीष मूलचंदानी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहुत चर्चित मनीष मूलचंदानी हत्याकांड में मूलचंदानी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी कैलाश चंद विश्नोई ने बताया कि 21 फरवरी 2019 में मनीष मूलचंदानी पर अज्ञात लुटेरों द्वारा उनकी हत्या की गई थी, जिस पर मामला दर्ज कर जांच की गई तो उसमें पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। वहीं आज मूलचंदानी पर फायरिंग करने वाले आरोपी रणजीत सिंह उर्फ रणसा को सीकर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी रणजीत पर हत्या डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं, लेकिन आरोपी 2 मामलों में जेल जा चुका है और 8 मामलों में वांटेड चल रहा है। वहीं पुलिस आरोपी रणजीत को कोर्ट में पेश करेगी और आरोपी को पीसी रिमांड पर लिया जाएगा। जी सर, किसको गिरफ्तार किया है, कौन है आरोपी? दिनांक 21 फरवरी 2019 को मनीष मूलचंदानी की दुकान पर कुछ अज्ञात लुटेरों ने फायर करके उसके दुकान से करीब 5 लाख रुपए नगद राशि और 5 लाख रुपए विदेशी मुद्रा लूटते हुए मनीष मूलचंदानी पर फायर किया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी मौके पर ही। जिस पर मुकदमा दर्ज करके अज्ञात मुलजिमान की पते से तलाश की गई, जिसमें 6 मुलजिम पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अंतिम आरोपी था जिसके द्वारा मौके पर फायर करना अनुसंधान से साबित पाया गया था, जिसको कल सिक्कर जेल से माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर कल लेकर आए हैं, जिसको आज न्यायालय में पेश कर उसका पीसी रिमांड लिया जाएगा, जिससे पूछताछ की जा रही है। रणजीत सिंह और रणसा के खिलाफ अब तक 2 मुकदमे ही हैं जिनमें वो गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा 8 अन्य मुकदमों में वो वांटेड चल रहा है, जिसे अभी पूछताछ की जा रही है। सर, मुख्य आरोपी है? मुख्य आरोपी घटना में जितेंद्र सिंह रूप जीतू बना था, जो पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन इसने मृतक पर फायर इसी के ने किया था, इसी की फायर से ही मृतक मनीष मूलचंदानी की हत्या हुई थी।